वेल गाइज, तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ ओवर हो चुका है। और गाइज, आज यहां पर WWE के मंडे नाइट रॉ के हमें यहां पर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिले, जहां पर रॉ के ओपनिंग के ऊपर कोडी रोड्स यहां पर जे उसो के मंडे नाइट रॉ पर लाने को लेकर बात करते गए। बट यहां पर कोडी का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी यहां पर जजमेंट डे कोडी को इंटरप्ट करते गए, जिसके बाद के डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आके जजमेंट डे के साथ जे उसो के रिलेशनशिप को लेकर बात करते गए। और गाइज, डोमिनिक मिस्टीरियो ये कहते गए कि जे उसो यहां पर बहुत जल्द जजमेंट डे को ज्वाइन करेंगे, और गाइस कोडी रोड्स इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेल, यहां पर शो के ओपनिंग पर डोमिनिक और कोडी के इस प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें यहां पर आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग के ऊपर ही कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर आज यहां पर इस मैच के अंदर कोडी रोड्स मैच के शुरुआती तौर के ऊपर ही इस मैच के अंदर क्रॉस रोड के साथ मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट यहां तक मैच ये ओवर होता है, तुरंत यहां पर फिन बैलर और डेमियन प्रिंस कोडी पर अटैक कर देते गए। और यहां पर जजमेंट डे के कोडी को बीट डाउन करने के बाद सैमी जेन और केविन ओवेंस अरिना में अराइव होते गए, जहां पर ये दोनों कोडी को जजमेंट डे से सेव करते गए। बट गाइज, इसके बाद मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर कोडी रोड सैमी जेन और केविन ओवेंस का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर केविन ओवेंस कोडी से ये पूछते गए कि कोडी ने जे उसो को रॉ पर क्यों लाया है, जिसके जवाब में कोडी रोड्स ये कहते गए कि हर किसी को लाइफ में सेकंड चांस मिलना चाहिए। और गाइज, इसीलिए कोडी ये बिलीव करते गए कि जजमेंट डे के अंदर से जाने से बढ़िया जे उसो मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स और बाकी लॉकर रूम के रेसलर के साथ रहे। वेल, यहां पर कोडी रोड्स के इस प्रोमो के बाद केविन ओवेंस कोडी वो यहां पर जजमेंट डे और ब्लड लाइन पर विश्वास नहीं करते गए। और गाइज, केविन ओवेंस को नहीं लगता है कि यहां पर जे उसो WWE के लॉकर रूम का साथ देंगे। और बेसिकली आज रॉ के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर केविन ओवेंस काफी एंग्री देखने को मिलते गए।